आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान में किया गया वृक्षारोपण। जैसे कि आपको बताएं, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान के प्राथमिक विद्यालय में आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम प्रधान रमेश चंद्र दुबे, नीरज पाठक, प्रकाश अग्निहोत्री व प्रमोद कुशवाहा एवं जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव व विपिन कुशवाहा आदि समस्त लोगों ने वृक्षारोपण किया एवं अपने अपने संदेश में बताया कि अधिक से अधिक सभी लोग वृक्षारोपण करें, जो कि हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे, जिससे हम समस्त रोग की होने वाली बीमारियां हमसे दूर रहें तथा हमारा स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे तथा पर्यावरण के आधार पर ही हमारे जीवन का बसर है। वृक्ष लगाओ, पानी बरसाओ। समाचार इंडिया न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ अजीत श्रीवास्तव के साथ विपिन कुशवाहा की खबर। आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर आपने जो वृक्षारोपण किया है, इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने गाँव को पर्यावरण से स्वच्छता और जो है हरियाली की इच्छा रखते हुए हम लोग गाँव वासियों के साथ हर विद्यालय में वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव में वातावरण बहुत अच्छा और स्वच्छ रहे। ग्राम पंचायत से आप क्या है? प्रधान जी, धन्यवाद। आपका? प्रमोद कुशवाहा। आज पर्यावरण दिवस पर जो वृक्षारोपण किए हैं आप लोगों ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हम सभी लोग जानते हैं, वृक्ष धरा का भूषण है, करता दूर प्रदूषण है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और हम लोगों ने ग्राम प्रधान और अपने अन्य साथियों के साथ में ये पहल किया है कि हर गाँव में जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं हमारी ग्राम पंचायत में, सब विद्यालयों में कम से कम 5 पेड़ लगाएं। गत वर्ष हमने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जो है मोहनलालगंज विकासखंड में समेसी ग्राम पंचायत है, उसमें लगभग मैंने 150 पेड़ लगाए थे पिछले वर्ष जी। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए अपने लोगों को? ये हम लोग लगातार जो आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसका कारण यही है कि वृक्ष कम होते लगातार चले जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं। और हम लोग युवा लोगों को ये चाहिए कि नए वृक्ष बराबर जो है प्रतिवर्ष लगाएं। और हम लोग एक लगातार करीब कई वर्षों से हम लोग जो है लगातार वृक्ष लगाते अभियान चला रहे हैं और जो है वृक्षारोपण करते हैं। इससे ये होगा कि वातावरण शुद्ध होगा और जो पानी जो लगातार जो हमारा जल स्तर घट रहा है ये जो है बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? नीरज पाठक।